अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आफरीन्स क्रिएशंस। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को हैंड एम्ब्रॉयडरी और एप्लीके कटवर्क के लिए डिज़ाइन क्रिएट करना बताऊंगी, किस तरह हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसको फैब्रिक के ऊपर ट्रेस करते हैं। तो पहले इसके लिए जो है हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, हम उसको जो है ना स्टेंसिल के थ्रू बनाएंगे डिज़ाइन को। तो उसके लिए मैंने दो तरह के स्टेंसिल्स लिए, एक मेरे पास ये सर्कल का शेप है, ठीक है। सर्कल के लिए कोई सा भी आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये इस तरह का एक ढक्कन, कोई सा भी बैंगल वगैरह जो भी सर्कल शेप में होता है यूज़ कर लीजिएगा। और दूसरा जो है स्टेंसिल आप खुद क्रिएट करेंगे, इसके लिए कोई सा भी हार्ड स्टफ जो होता है, गत्ता वगैरह जो होता है रफ, वो ले लें। और उसके ऊपर जो है मैंने इस तरह, ये देखिए ऑलमोस्ट इसकी जो लेंथ है वो 1 इंचेस है, 1 इंचेस का जो है मैंने हार्ड डायमंड शेप जो है वो बना लिया, इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया। ये देखें, ये 1 इंचेस की शेप है इसकी, ठीक है, लेंथ है इसकी, ठीक है। और इस तरह का डायमंड बना लेना है हमने, ये काइट शेप जो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का इसके ऊपर ड्रॉ कर लेना। और जो हमारे पास स्टफ होना चाहिए वो हार्ड ही होना चाहिए, कोई गत्ता मोटा इस तरह का जो इजीली मूव ना करे, मुड़े नहीं, ठीक है। तो इससे ये होगा कि हम जब भी इसको ड्रॉ करेंगे तो जो है वो हमारे पास इजीली इससे ड्रॉ हो जाएगा और ये मुड़ेगा नहीं, शेप डिफरेंट नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए जो है मैंने इसके ऊपर गत्ते के ऊपर बना लिया, उसको हम इसको इस तरह कट कर लेते हैं। ये स्टेंसिल बनाने का मकसद ये होता है कि हम इसको जितनी भी दफ़ा जहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे वो शेप जो है और साइज़ सिमिलर आएगा, चेंजेस नहीं होंगी, ठीक है। तो हम इसको इस तरह कट करके और ये स्टेंसिल बना लेते हैं एक डायमंड शेप का। अच्छा, ये जो है ना मैंने तो डायमंड शेप लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको जो है लीफ शेप भी बना सकते हैं, छोटा सा लीफ, जैसे यहाँ से जो है कर्व बनाकर और दोनों तरफ से इस तरह कर्व लेकर ये छोटा सा लीफ बन सकता है, ठीक है। तो मैंने जो है वो डायमंड शेप यूज़ किया, आप इसकी जगह लीफ शेप भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल जो भी है, लीफ शेप हो या डायमंड शेप हो, इस तरह हमने एक स्टेंसिल बना लेना छोटा सा। इसकी लेंथ मैंने 1 इंचेस ली, और एक हमारे पास ये सर्कल शेप है, इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये जो सर्कल है ये जो है ऑलमोस्ट 3.5 इंचेस का है, इस तरह। आप इसे छोटा या बड़ा भी ले सकते हैं, थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत हाफ इंच का बड़ा भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अच्छा, हमने जॉर्ज जो पेपर पर करना है वो हमने इस तरह पेपर ले लिए, एक साइड से जो पेपर है वो हमारा ऑलमोस्ट जो है 6.2 इंचेस का है, 6 इंचेस से इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने थोड़ा बड़ा पेपर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हमने क्या करना है, यहाँ से हम इसकी चौड़ाई जो है वो 3.5 या 3 इंचेस का नाप कर मैं लेती हूँ, 3.2 इंचेस ले लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मार्क करके हमने इसको इस तरह हाफ कर लेना, यहाँ से हमने इसको फोल्ड कर लेना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम जो है ना हाफ जो हमारा डिज़ाइन है वो क्रिएट करेंगे, और हाफ़ को इसकी जो दूसरा हमारी जो दूसरी साइड आएगी, हाफ जो हमारा डिज़ाइन होगा उसको हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, कार्बन कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि जैसे जिस तरह हम लोग एक तरफ लीफ बनाते हैं तो हाफ लीफ ड्रॉ कर लेते हैं, और बिल्कुल उसको सिमिलर बनाने के लिए, बिल्कुल सेम एज इट इज़ ड्रॉ करने के लिए फिर यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ट्रेस करेंगे तो दोनों तरफ बराबर आता है। तो इसी तरह हाफ लीफ हम इधर ड्रॉ कर लेंगे और हाफ लीफ को हम कॉपी कर लेंगे, तो हमारा छोटा बड़ा साइज़ है बार बार हमें ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, एक ही साइज़ का बिल्कुल सिमिलर सेम डिज़ाइन और सिमिलर साइज़ का होगा, ठीक है। तो पहले हम इसको इधर हाफ ड्रॉ कर लेते हैं। हाफ ड्रॉ करने के लिए मैंने ये जो सर्किल मैंने आपको बताया था ये हम इस तरह हाफ में रखेंगे यहाँ से, ठीक है। हाफ बाहर होना चाहिए, हाफ अंदर होना चाहिए इस तरह, और इस पेपर के दोनों साइड पर इस तरह हमने आधा, तो दोनों इक्वल साइड, दोनों इक्वल साइज़ जो है वो हमने इस तरह छोड़ दिया इसका साइज़, ये देखें इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। और इसको हल्का सा, अच्छा बिल्कुल अभी हल्का सा ड्रॉ करना है, ज़्यादा डार्क पेंसिल से ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि अब हम इसमें अभी चेंजेस करेंगे। ये देखिए इस तरह हाफ हमने लीफ ये सर्किल ड्रॉ कर लिए, हाफ जो सर्किल है वो ड्रॉ करने के बाद, इसके बाद यहाँ पर जो हमारा थोड़ा सा स्पेस है जो नीचे की तरफ जा रही लाइन, वहाँ से हमने थोड़ा सा यहाँ से इस तरह लेकर और इस तरह ऊपर की तरफ उठाना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमने हाफ़ सर्किल बना देना है इस तरह छोटा सा, हाफ सर्किल इससे बना के जब हम दूसरी तरफ इसको ट्रेस करेंगे, कॉपी करेंगे, तो वो पूरा फुल सर्किल बन जाएगा। अब ये वाला जो हमारा एक्स्ट्रा लाइन है ये जो सर्किल की, वो हम यहाँ से इरेज कर देंगे, तो ये नीचे की साइड बन गई हमारी, ये नीचे वाली साइड है, ऊपर वाली साइड है, ठीक है। अब यहाँ से, अच्छा इसमें ये नीचे वाली साइड की तरफ यहाँ से जो सबसे ज़्यादा पीक पॉइंट जा रहा है हमारा, पीक पॉइंट है सर्किल का यहाँ पर, हम यहाँ से ऊपर की साइड बनाएंगे इस तरह, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर जाएंगे इसको, और इस तरह लेते हुए यहाँ से हमने ज्वाइन किया था इसको सर्किल बनाकर, यहाँ से हम स्पेस रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से ऊपर की साइड पर इस तरह बनाकर ये डिज़ाइन बना देंगे, ये देखें इस तरह, ठीक है।
ये पीक पॉइंट से लेके गए ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर हमारा इस तरह शेप यूं करके ऊपर की साइड पे बनेगा, यानी नीचे से थोड़ा चौड़ा होगा ऊपर से थोड़ा कम पतला होगा। अब ये जो हमारा मैंने आपको लाइट सी लाइन इसलिए ड्रॉ करवाई थी कि जो हमारा एक्स्ट्रा जो डिज़ाइन है ये सर्किल है उसको हमें इरेज कर देंगे, और जो हमने क्लियर करा है इसको इस तरह ठीक है। ये हमारी बेसिक शेप बन गई, और अच्छे से और शेप दे देंगे, यानी बेसिक जो हमारा डिज़ाइन था वो ड्रॉ हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में यही इसी पीक पॉइंट से हम एक इसी तरह का सर्किल सा यहाँ पर इस पीक पॉइंट से लेकर इस तरह इसके आउटसाइड जो है वो ड्रॉ करेंगे, यानी देखिए यहाँ से पीक पॉइंट से मैं लेकर जाती हूँ और इस तरह इसके आउटसाइड इस तरह ड्रॉ करें, ये देखो ठीक है। अब हमने इसकी हेल्प से जो हमने स्टेंसिल बनाया था इसकी हेल्प से इसमें लीव्स बनाने। अच्छा यहाँ पर जो है मैं इसको जो है इसी तरह रखने के बजाय यहाँ पर मैं इस तरह यहाँ जो है तीन सर्कल बना दूँगी इस तरह गोल गोल से, तो ये जो है हम एप्लिक का जो करेंगे उसमें इस तरह सर्कल शेप बना लेंगे, मतलब फैब्रिक से इस तरह फ्लावर छोटा सा बना लेंगे, मतलब फ्लावर नहीं है एक तरह से तीन, ये समझे बर्ड बन जाएगा इस तरह तीन सर्कल छोटे छोटे ठीक है। यहाँ से हमने थोड़ा चेंज कर दिया, डिफरेंट कर दिया, तो ये तीन सर्कल बन गए। अब हमने ये लीफ जो मैंने आपको लीफ सॉरी ये डायमंड शेप का जो बताया था स्टेंसिल बनाना, इस स्टेंसिल की हेल्प से हम इसको जो है ना कवर करेंगे, जहाँ जैसे ये हमारे पास यहाँ पर ये स्पेस है तो यहाँ पर हम जो है इस तरह के लीफ बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले दोनों तरफ बनाएंगे ठीक है, तो एक तरफ इस तरह इसको जो है ना लाइन को टच करना है इसके कॉर्नर से, और थोड़ा सा दूर रखना है इसको ठीक है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये हम एम्ब्रॉयडरी के थ्रू बनाएंगे। मैंने जैसे माइंड में फिक्स किया हुआ है कि जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ वहाँ पर मैंने कहाँ पर किस जगह क्या यूज़ करना है, तो ये जो ये वाली लाइन है ये हैंड एम्ब्रॉयडरी से मैं थ्रेड से बनाऊँगी, और ये इस तरह के फ्लावर्स हैं, और ये जो लीफ है या ये डायमंड शेप जो है ये मैं फैब्रिक से बनाऊँगी, तो इसको ये एम्ब्रॉयडरी की लाइन अलग आनी चाहिए, मैं इसको इस तरह भी कर सकती थी लगाकर, लेकिन मैं इसको बातें करने के लिए इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह दूर करके रखा हुआ है ठीक है, और इस तरह मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दूँगी। ये देखिए ये मैंने क्यों स्टेंसिल बनाया था, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके थ्रू इसके ज़रिए मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी मुझे चाहिए होगी इसकी रिक्वायरमेंट सेम साइज़ की मैं इसको ड्रॉ कर दूँगी। देखिए ठीक है, ये एक इस तरफ कर दिया, फिर इसके बाद थोड़ा सा स्पेस देकर बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पर कर देंगे ठीक है, इस तरह अंदर की साइड पर और इसी तरह यहाँ पर जितना, क्योंकि एक और थोड़ा सा स्पेस बच रहा है तो हम यहाँ पर इसको इस तरह कर देंगे ठीक है, एक और लीफ बन जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हम इस तरह एक और लीफ ड्रॉ कर देंगे ठीक है। उसके बाद ये हमारा सर्किल आ गया, और वैसे भी ये नीचे की साइड है तो नीचे की साइड ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे, हल्का हल्का ही रखेंगे ठीक है। ये तीन लीफ यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर जो स्पेस है ये देखें अंदर के, अच्छा यहाँ बाहर हमने इस तरह बनाया, तो इसके साथ ही हम अंदर की तरफ एक लीफ बना देते हैं ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए। अंदर के साइड पर यहाँ पर एक लीफ हो गया, अब यहाँ पर भी हमारे पास स्पेस है तो एक यहाँ पर लीफ बन जाएगा और एक इधर लीफ बन जाएगा ठीक है, तो पहले एक लीफ यहाँ पे बना देते हैं। अच्छा दो लीफ यहाँ पर बनाने के बाद नीचे वाला हमारा पूरा एरिया कवर हो चुका है ठीक है, अब हम इसके ऊपर यहाँ पर जो है एक लीफ इस तरह यूं करके जो इसका सर है डिज़ाइन का इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हम पूरा ये सब ये वाला जो लाइन है ये हम हैंड एम्ब्रॉयडरी यूज़ करेंगे, तो ऊपर यहाँ पर कहीं पर भी कोई एप्लिक वर्क नहीं आ रहा, तो इसके लिए एप्लिक वर्क के लिए क्योंकि ये वाला जो मैं शेप बता रही हूँ आपको ये हम फैब्रिक से एप्लिक वर्क के थ्रू करेंगे, तो यहाँ पर भी एक एप्लिक वर्क बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह इसको ड्रॉ कर देती हूँ, तो ये हमारा जितने भी इस तरह के डायमंड शेप की डिज़ाइन थे वो हमारे हो चुके हैं।
ठीक है, तो ये एक साइड का हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर सेंटर में एरिया बच रहा है इसको हम एक ही दफ़ा यहाँ पर फ्लावर ड्रॉ करेंगे, मतलब सिंपली एक इसको जब ओपन करेंगे ये पूरा हम यहाँ पर जैसे हमने इस तरफ एक साइड बनाया इसकी दूसरी तरफ बनाने के लिए हम इसको ट्रेस कर लेंगे। ट्रेस करने के लिए मैंने हाथ से ये देखें इस तरह कार्बन पेपर बना लिया है। कार्बन पेपर मतलब कि आपके पास अगर अवेलेबल है तो, क्योंकि मैं वाला कार्बन पेपर इसलिए यूज़ नहीं करती नॉर्मली जो मार्केट में मिलता है, क्योंकि वो एक दफ़ा करने के बाद इरेज नहीं होता। और ये मैं पेंसिल से खुद ही इस तरह बना लेती हूँ। ये देखिए कोई सा भी पेपर लेकर उसके ऊपर पेंसिल से इस तरह थोड़ा डार्क डार्क इस तरह कर मार्किंग कर ले और फिर इसको इसके बैक साइड पर रख कर इस तरह कार्बन पेपर बना लें। ठीक है, और इसको इसके बैक साइड पर इस तरह रख कर और फिर हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर पेंसिल वो करेंगे, एक दफ़ा पेंसिल फेरेंगे तो जो है ये पूरा एज इट इज़ बैक साइड पे इसके ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पूरा डिज़ाइन बन जाएगा। फिर ये वाले सेंटर वाला एरिया रह जाएगा, यहाँ पर भी हम एप्लिक वर्क के थ्रू एक फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर जब मैं इसको ओपन करूँगी दूसरी तरफ ट्रेस करने के बाद तो फिर मैं आपको बनाना बताऊँगी। अभी हम इसे ट्रेस कर लेते हैं। अब ये एज इट इज़ इसके ऊपर जो है हम ट्रेस कर लेते हैं। व्यूअर्स, यहाँ ऊपर स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप इस तरह के डिज़ाइन हमसे ऑर्डर पर भी क्रिएट करवा कर और परचेज़ कर सकते हैं। आप जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप अपने डिज़ाइन क्रिएट करवा सकते हैं और हमसे ऑर्डर पर बनवा सकते हैं। अच्छा, मैंने तो ये जो डायमंड शेप है ये और ये जो सर्कल शेप है गोल गोल से बर्ड्स बनाए हैं, ये मैंने एप्लिक वर्क के लिए बनाया, लेकिन आप इसको अपनी मर्ज़ी से जो है हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बीड्स वगैरह। ये देखिए हमारा लाइट से कार्बन कॉपी हो गया था, इसके ऊपर हम इसको डार्क कर लेते हैं। तो ये हमें जो है दोबारा से एज इट इज़ क्रिएट करना नहीं पड़ेगा, इतनी मेजरमेंट लेनी नहीं पड़ेगी, सब कुछ जो है वो सेम साइज़ का और सेम डिज़ाइन क्रिएट। अब यहाँ पर दोनों साइड का इक्वली डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ ये सेंटर वाला एरिया बचा है, यहाँ पर हम एप्लिक वर्क से फ्लावर बनाएंगे। तो इसके लिए जो है 6 पेटल का फ्लावर बनेगा, तो इसके लिए हाथ से ही सिंपल सा फ्लावर ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे तो ये फैब्रिक के ऊपर ही बनेगा, तो रफली हम ड्रॉ करते हैं 6 पेटल का फ्लावर। मैं इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। देखिए इस तरह ये एक हो जाएगा, ये एक पेटल, ये 2 पेटल, ये देखिए इस तरह। अभी हमारे पास डिज़ाइन जो है हमारा क्रिएट हो चुका है। ये देखें, अब हम इसके ऊपर जो है इस वीडियो में मैंने जैसे आप लोगों को क्रिएट करना बताया, तो अब इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसके फैब्रिक के ऊपर ट्रेस करना बताऊंगी किस तरह ट्रेस करते हैं। ये आप लोग अपनी मर्ज़ी से, ये तो मैंने अपना डिज़ाइन क्रिएट किया है, जो मैंने जो एम्ब्रॉयडरी यूज़ करनी है उसके हिसाब से आप इसकी मैं अपनी मर्ज़ी से चेंजेस भी कर सकते हैं। इसको छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, अपने साइज़ के हिसाब से। जैसे मोटे फॉर जहाँ पर आप मोटे बनाना चाह रहे हैं आप इसको नेक लाइन के में नेक के नीचे भी यूज़ कर सकते हैं, स्लीव्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। इस मोटिव को मैं इस मोटिव को दुपट्टे में यूज़ करूँगी डिफरेंट जगह पर मोटिव बनाने के लिए, तो उसके हिसाब से मैंने आप इसको भी जो है इस हटा भी सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ठीक है, तो जो है ना अब यहाँ पर मैंने जैसे फ्लावर बनाया, तो मैं तो एप्लिक वर्क करूँगी तो इसलिए मैंने फ्लावर बनाया। आप यहाँ पर जो है मिरर वर्क भी कर सकते हैं, मिरर लगा सकते हैं या कोई बीड्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप जो है इसको अपना चेंजेस कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ क्रिएट करना बता रही हूँ यहाँ पर किस तरह क्रिएट करते हैं डिज़ाइन। तो ये हमारी जो है फाइनल लुक आ गई है कि डिज़ाइन की। मैंने इसको जो है कम्युनिटी